जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के टॉप 10 जीके क्वेश्चन के बारे में। ये प्रश्न आपकी किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अगर आपको इन प्रश्नों का उत्तर पता है तो कमेंट करके इनका जवाब जरूर दें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और पहला प्रश्न है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए भावर, ऑप्शन बी खादर, ऑप्शन सी दून, ऑप्शन डी तराई। दूसरा प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है? ऑप्शन ए मैकाल, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी नीलगिरी, ऑप्शन डी अरावली। तीसरा प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश की सीमा तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी सिक्किम। चौथा प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी नंदा देवी, ऑप्शन सी गॉडविन आस्टिन, ऑप्शन डी नंगा पर्वत। पांचवा प्रश्न है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी सह्याद्री, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी सतपुड़ा। छठा प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी अजंता, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सातवां प्रश्न है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? ऑप्शन ए गुरु शिखर, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी दोदाबेट्टा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन ए विंध्य, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी सतपुड़ा। नौवां प्रश्न है, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी भूटान। दसवां प्रश्न है, भारत में सबसे पहले आधार कार्ड किसका बना था? ऑप्शन ए रंजना सोनवाने का, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी का, ऑप्शन सी राजनाथ का, ऑप्शन डी अमित शाह का।